बोलने की जरूरत तो नहीं होगी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हरियाणा स्टीलर्स के कोच जी। सर जी, एक सबसे बड़ी बात, भारत देश में दो चीज ईरान की फेमस है, एक है ईरानी चाय और एक ईरानी बॉय जो आपके साथ है। क्या कहोगे उस ईरानी बॉय के बारे में? वो तो क्या कह सकते हैं, फ्लावर है जो खुशबू खेलता है ना कबड्डी में, और बहुत अच्छा टैलेंट है, ऑलराउंडर है कबड्डी के लिए, जो हमारे नए बच्चे देखते हैं उनके लिए एक मिसाल है कि आप इतना अच्छा भी कर सकते हैं। सभी टैकल की स्किल है और बहुत अच्छा खेलता है, एक हसमुख बंदा है जो आपके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, वैसा करेक्टर है। सर जी, आपने कहा कि फ्लावर, हमको तो वो लगता है पुष्पा पिक्चर में हमने देखा था ना, फ्लावर नहीं फायर हूँ मैं। तो एग्जैक्टली वो फ्लावर नहीं हो तो फायर ही है। और आपकी टीम के कॉम्बिनेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एग्जैक्टली अभी किस हिसाब से फिटनेस चल रही है, किस हिसाब से प्रैक्टिस चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है आपकी? तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी जा रही है, पूरी टीम फिट भी है, बट जब फर्स्ट मैच आएगा तभी देखेंगे कि बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा बैठता है, प्लेइंग जो सेवन है आपके प्ले करते हैं उसमें। बाकी पूरी टीम फिट है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सर जी, अभी पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम आपको देखते हुए खेलते हुए देखते आए हैं और अभी हम आपको कोचिंग करते हुए भी देखते हैं। सर जी, अगर मौका मिले, अगर उतर जाने का टीम मैदान में तो उतर जाओगे? देखो उतर तो जाएंगे, 5-4 रेड भी अच्छी कर लूँगा, पर 40 मिनट अब नहीं खेला जाएगा क्योंकि उतनी फिटनेस नहीं है, तो अब एज भी हो गई है भाई, 45-46 के हो गए, सो उतनी स्टैमिना नहीं है। बाकी हाँ, ये 5-4 रेड तो कर ही सकता हूँ। सर जी, वो उस बात की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कोच 7 प्लेयर 50% मैच खेलते हैं और 50% मैच खेलते हैं वो अपने कोच। सर जी, कोच की कितनी भूमिका होती है कि एक मैच को जिताने के पीछे, या उनका रोल क्या होगा? देखो, जो बॉडी कॉन्टैक्ट गेम होती है ना, चाहे वो रेसलिंग है, जूडो है, या कबड्डी है, बॉक्सिंग है, जब तक आप कोच के साथ प्लेयर का और कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, तो तब तक मेरे को लगता है कि बॉडी कॉन्टैक्ट गेम के अंदर जब आप गेम प्ले करता है प्लेयर, तो उसकी जो सोचने की शक्ति है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रेंथ लगती है वहाँ पे, स्टेमिना लगता है, तो जो आप सोच के करते हो वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिले हो जाता है। तो उसको क्या करता है, जब कोच के साथ उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, तो वो टाइम टू टाइम स्किल पे और सिचुएशन पे उसको बोलता रहता है। तो कोच की वैल्यू कबड्डी में बहुत ज़्यादा है, जो कोच कोऑर्डिनेशन में चलता है अपने प्लेयर्स के साथ, कैप्टन के साथ, वो टीम हमेशा अच्छा करती है। क्योंकि अगर आपकी टीम खेलती जा रही है, सिचुएशन बहुत टफ है, बहुत ऐसी नाजुक सिचुएशन बनी हुई है कि उसमें से आपके प्लेयर को निकलना है, लेकिन कोच नहीं पीछे से कोचिंग कर रहा है या बता पा रहा है, तो बहुत मुश्किल है कबड्डी में फिर वापस करना। आपके कोई पुराने वीडियोस है? क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास अभी आपके वीडियोस तो होंगे या नहीं, पता नहीं, फोटोज होंगे, पर अगर कोई देखता होगा ये सीरीज, मैं जानता हूँ कि डेयरिंग, डेंजरस और डायनामिक रेडर थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई धन्यवाद। वीडियोस तो बहुत है, मेरा एक दोस्त है पटना में थे हमारे साथ, कार्तिक भाई, तो उनके पास पड़ी है मेरी, कम से कम ज़्यादा नहीं 20-25 सीडीज है उसके पास। वो उसके पास ये मान लो कि 96 से लेके और 2015 तक के मैच रिकॉर्डेड है उसके पास। क्या बात है, फिर तो हमें कांटेक्ट बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि अगर कोई देखना चाहते एग्रेशन क्या होता था गेम में, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आपके एग्रेशन आपकी देखते हैं हम एज अ कोच, पर गेम में एग्रेशन क्या होता है, हम आपके चेहरे, आपकी आंखें, आपके एक्सप्रेशन अभी भी हमारे आंखों के सामने, नजरों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।